तो मेंडल्स लॉ आपने सारी वोकैबुलरी जो है वो सीख ली है। आपको पता है कि अभी मैं जो भी क्रॉसिंग करने जा रही हूँ उसमें जो जो वोकैबुलरी हम यूज करेंगे उसको आप ऑलरेडी जान रहे हैं। तो देखिए लॉ, जैसे फर्स्ट लॉ शुरू करने के लिए सबसे पहले जो क्रॉसिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल प्लांट। अब आपको पता है कि होमोजाइगस क्या है, डोमिनेंट क्या है, तो समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह हम यहां पर, क्योंकि आपको पता है कि जो पहले दो लॉज हम बताने जा रहे हैं, फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और सेकेंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, और जो सेकेंड लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो दोनों ही लॉज में जो है आपको यही सेम क्रॉसिंग की जरूरत पड़ेगी, इसी सेम क्रॉसिंग से ही दोनों लॉ जो है वो डेराइव हो जाएंगे। तो यहां पे होमोजाइगस रिसेसिव ड्रॉप, और ये आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि ये हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहां पर सिंगल कैरेक्टर लिया है। सिंगल कैरेक्टर के दो एलील्स हैं, टॉल एंड ड्रॉप। ये बात हम बार बार मेंशन कर रहे हैं क्योंकि यही एक पॉइंट रहता है जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसीलिए हम बार बार इसको मेंशन कर रहे हैं। तो इसके जो जीन्स हैं पेयरिंग में हमने ले लिए कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये पेरेंट जनरेशन है जो कि प्योर ब्रीड है, क्रॉसिंग करते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अब यहां पे आप देखिए क्योंकि डोमिनेंट टॉल था तो ये जो F1 जनरेशन आ रही है, F1 जनरेशन, इसमें सारे ही प्लांट्स कैसे हैं, हाइब्रिड टॉल। यानी कि जब आप गार्डन में F1 जनरेशन को देखने जाएंगे तो सारे ही प्लांट्स आपको टॉल दिखाई देंगे, और इनमें जो रेसेसिव कैरेक्टर था ड्रॉप वो हाइड हो गया है पूरी तरह से। देख लीजिए एक बार अच्छे से, होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल, होमोजाइगस रेसेसिव ड्रॉप। जब हमने क्रॉसिंग कराई तो F1 जनरेशन में आपको सिंपली सारे हाइब्रिड टॉल प्लांट्स मिल गए, और क्योंकि यहाँ पे जो टॉल कैरेक्टर जो डोमिनेंट था वही डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए मेंडल का जो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है इट इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेंशन करिएगा कमेंट में, मैं फिर से इसको वीडियो बना के समझा दूंगी। तो अगर आपको लग रहा है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ये क्रॉसिंग थोड़ी सी उलझन हो एक बार बनाने में, मे बी, वैसे है तो बहुत इजी। मैं एक बार फिर से रब करके और फिर से आपको बना के दिखा रही हूँ, और फिर इसका एक इजी मेथड भी बताती हूँ कि क्यों कैसे आप इसको इजी कर सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी है इसको मिलाना, और ये सारे कैसे हैं, ये सारे हैं हाइब्रिड टॉल F1 जनरेशन में। यानी कि जो टॉल कैरेक्टर जो डोमिनेंट था वही आगे F1 में डोमिनेट कर गया, यानी कि मेंडल का जो फर्स्ट लॉ था वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट था। अब बात आती है कि इसको और इजी कैसे बना सकते हैं, तो देखिए यहां पे हम एक स्क्वायर बनाएंगे, इट इज नोन एज पनेट स्क्वायर। यहां पे सिंपली हम अपने ट्रेड्स लिख देंगे और इनकी क्रॉसिंग, इनकी जो है मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए है ना इजी,
एकदम इजी है मेथड। अगर आपको ये पसंद है तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ये कर सकते हैं, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। आप एक बार फुल व्यू ले लीजिए, देखिए कि आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी इसका क्लास ज़रूर अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। सेकेंड लॉ भी यहीं से डिराइव होगा, बहुत ही ईजी, देखिए कैसे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास अब हेटरोजाइगस जीन्स आ गए हैं या हेटरोजाइगस जो ब्रीड आ गई है, देखिए ये तो होमोजाइगस था, प्योर था, लेकिन अभी मिक्सिंग ऑफ जीन्स हो गई है, अब हमारे पास हेटरोजाइगस ब्रीड आ गई है, तो इसमें से हम कोई दो ब्रीड लेकर के अब उनकी सेल्फिंग करा देंगे। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी इनकी होगी सेल्फिंग। सेल्फिंग कहने का सिंपली ये मतलब होता है कि आपस में इनकी क्रॉसिंग हो जाएगी। देखिए ये देखिए यहाँ पे जब आपस में ही हमने ब्रीड्स को लेकर के सेल्फिंग करा दी हेटरोजाइगस के साथ में, हेटरोजाइगस ब्रीड के साथ में, तो आपको क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, प्योर टॉल हाइब्रिड टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। आपको अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इस जनरेशन जो हम पेरेंट जनरेशन में जितने कैरेक्टर्स लेके चले थे या F1 जनरेशन में हमको जो भी कैरेक्टर मिला था उसका सबका जो एक तरह से कह सकते हैं रिजल्ट, एक जो निचोड़ निकल के आ गया कि यहाँ पे आपको सारे कैरेक्टर्स अलग अलग दिख रहे हैं, और यही हमको देखना था सेकेंड लॉ में, क्योंकि इसका नाम ही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जहां पे सारे कैरेक्टर्स अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह मेंडल का सेकेंड लॉ हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथककरण का नियम इसको कहते हैं, जहां पे सारे कैरेक्टर्स अपने आप को एकदम अलग अलग डिफाइन कर देते हैं। अब बात आती है कि ये F2 जनरेशन है, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, F2 या F1 का मतलब होता है कि फिलियल जनरेशन, फिलियल का मतलब होता है कि जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, जो फिजिकली आपको दिखाई दे, यानी कि जब आप गार्डन में जाएंगे तो आपको जो है वो तीन प्लांट लंबे और एक प्लांट जो है वो ड्रॉफ दिखाई देगा। अब इसका क्या मतलब है, अब हम तो यहाँ पे हाइब्रिड टॉल कह रहे हैं, प्योर टॉल कह रहे हैं, प्योर ड्रॉफ, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि तीन प्लांट लंबे, क्योंकि देखिए ये जेनेटिक मेकअप है, ये प्लांट का जेनेटिक मेकअप है, जीन्स तो हमको बाद में पता चलेंगे ना, ये तो हम क्योंकि कर रहे हैं पेपर पे या बोर्ड पे तो हमें पता है कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या रेशियो आ रहा है जेनेटिक मेकअप का। अच्छा देखिए जेनेटिक मेकअप का जरा रेशियो देख लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास आ रहा है 1:2:1 का, समझे, यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1 का। लेकिन जब हमने कहा कि हम जब गार्डन में जाएंगे तो हमको तीन प्लांट लंबे और एक प्लांट जो है छोटा दिखाई देगा, तो इसका क्या मतलब है कि हम इसके फीनोटाइप की बात कर रहे हैं, हम इसके बाहरी जो एक्सप्रेशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो फीनोटाइप जो रेशियो आएगा वो क्या है, देखिए फीनोटाइप रेशियो में जो है आपको मिलेंगे तीन प्लांट लंबे और एक प्लांट छोटा, यानी कि 3:1 का रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप और क्लियरली देखना चाहते हैं तो यहाँ देख लीजिए, जीनोटिपिक रेशियो जो आएगा F2 जनरेशन का
इट इज 1:3:1 एंड फीनोटिपिक रेशियो आएगा 3:1. ओके, यही आपको मेन प्रूफ करना था दोनों लॉज में, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि पहली जनरेशन में सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप को डोमिनेट कर जाएंगे और जो दूसरी जनरेशन है वहां पर सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो ये जो वीडियो है मैं अभी दो लॉज पे इसको एंड करूंगी, क्योंकि जो थर्ड लॉ है वो लॉ इन्हीं दोनों वीडियोस का एक एक्सटेंशन है, इन्हीं दोनों लॉज का एक एक्सटेंशन है, तो उसको जो है हम लोग एक अलग वीडियो में समझेंगे, वो थोड़ा सा और लंबा जाएगा. तो इसलिए आप पहले ये दोनों लॉज अच्छे से समझिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपको ये समझ में आया. अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हो पा रहा है या कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ उस पर मेंशन करिए, मैं फिर से वीडियो बना दूंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बना दूंगी. और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.